लेकर आया हूँ हैव और का पीना लाइम का रिव्यू, जो कि बार बहुत काफ़ी टाइम से मैं पीना लेमन का रिव्यू देना चाहता था कि आपका भी मन ये ज़रूर लूटेगा। तो जैसा कि इस फ्लेवर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि इस फ्लेवर में लेमन का जो एक टेस्ट है वो काफ़ी हद तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में ये जो है आपको 30 रुपए के एक अमाउंट में आपको ये अवेलेबल हो जाता है और इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी ही शानदार है। जैसा कि मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, इसका टेस्ट कोई ज़्यादा मीठा भी नहीं है और कोई ज़्यादा फीका भी नहीं है। ये एक सेंटर लेवल का, जिसे कहते हैं एकदम बढ़िया और खाने में काफ़ी मज़ा आने वाला टेस्ट है। जो आप एक बार खाएंगे तो आपको ये अपने आप पता चल जाएगा कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा और इसके साथ आप आगे कितना जाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। इसका हैवमोर वालों ने इसको लॉन्च किया है, जो कि काफ़ी बड़े इनिशिएटिव है इसके मामले में। और इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनका पिछला रिव्यू भी मैंने आपको दिया था जुलू बार के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छा चॉकलेट कैंडी बार है। और इसके बारे में कहना मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। एक बार मैं ज़रूर ये आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक बार जाएँ और ज़रूर इस आइसक्रीम का लुत्फ लें। ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है। एक बार आप इसको खाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा इसके टेस्ट के बारे में। और अगली वीडियो में मैं एक बार ज़रूर आपके लिए हैव मोर का ही ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में लेकर आऊँगा, जिसने काफ़ी अच्छी अपनी पहचान बनाई है आइसक्रीम के क्षेत्र में, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हालांकि उसका कोई टब आइसक्रीम टब अभी अवेलेबल नहीं है, वो आपको ब्रिक में ही मिलेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक बार आप उसका टेस्ट लें ज़रूर और उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हैवमोर कंपनी कितनी बेस्ट और कितनी स्टेबल कंपनी है इस क्षेत्र आइसक्रीम के क्षेत्र में, ज़ाहिर सी बात है। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ज़ाहिर सी बात है आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और हैवमोर के बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं कि हैवमोर कंपनी आपको किस तरह से लगती है, कैसी लगती है। और पीना लाइन के बारे में तो मैं आपसे यही कहूँगा, वो हैवमोर को पीना लाइन। टेक केयर, बाय।